प्रदेश में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन की तरफ से प्रदेश भर में यानी कि सभी राज्य में, पांच राज्य जहां पर चुनाव के जो परिणाम आने हैं, सभी जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। तो वोटों की गिनती शुरू होने से पहले अब 20 मिनट ही बाकी है और धारा 144 लागू। जी पूजा, तो बिल्कुल राष्ट्रीय धारा 144 लागू कर दी गई है तमाम प्रदेश में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और इसी तरीके से पंजाब में भी। और हमको तस्वीरें जिस तरीके से राष्ट्रीय सामने आ रही हैं, राजनेताओं के घरों में मिठाइयां बनना शुरू हो गई हैं। भगवंत मान के घर पे अभी थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे कि भगवंत मान के घर पे मिठाई बनना शुरू हो गई है, यानी कि वो अपनी जीत को लेकर इतने ज्यादा आश्वस्त हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्राउंड जीरो का मैं रुख करूंगी। गाजियाबाद से हमारे साथ में हैदर अली जुड़े हुए हैं लगातार। हैदर, ग्राउंड पर कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि आपके पीछे मैं सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देख पा रही हूँ। गाजियाबाद के अंदर कहीं जब खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं सफाइयां जो है वो दंगा करने के फिराक में है या कुछ ऐसी अनहोनी ना हो गाजियाबाद के अंदर, तो कहीं ना कहीं प्रशासन मुश्किल दिखाते हुए 3 दिन से यहाँ पर है। और यही राज्य की छोटी छोटी वजह जो है, जो इनपुट है, जो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से इनपुट लिए जा रहे हैं प्रशासन को, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा मतगणना जो है सफल कराने के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल दिखाई दे रहा है। और वही अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में जिलाधिकारी जो है और उसके अलावा जो SSP है वो ग्राउंड पर है सुबह से, और अब से कुछ देर बाद ही मतगणना जो शुरू होगी उससे लेकर इससे पहले भी उन्होंने अपने चारों तरफ से जो ईवीएम मशीन जहाँ रखी हुई है, स्टोर रूम में रखी हुई है, इसके अलावा जो यहाँ पर जो मंडी स्थल है उसके आसपास भी जो उसके चारों तरफ की बिल्कुल हैदर और पूजा दोनों बने रहेगा हमारे साथ। मोहसिन रजा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। और योजनाएं गरीबों को मकान देने का काम, किसी को उज्ज्वला योजना, किसी को सौभाग्य योजना, किसी को शौचालय मिला है, तो करोड़ों करोड़ हमारे उत्तर प्रदेश वासियों को जो योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की उनसे आच्छादित करने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है, भरपूर आशीर्वाद दिया है, और वो आज परिणाम जब आएंगे तो आपको साफ हो जाएगा कि हम 300 के पार जो बार बार कह रहे थे वो इसलिए कह रहे थे कि हमको अपनी जनता पर विश्वास है और जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। सर, हमें पता है कि ईवीएम को लेकर भी एक रो उठा है, और उसमें जैसे कि डीएम ने बोले थे कि वो ट्रेनिंग पर्पस से जा रहे थे, पर एसपी ने उसको नकार दिया है और अभी एक्शन भी लिए गए हैं उसके ऊपर। जी पूजा, मोहसिन रजा इस वक्त कुछ कह रहे थे, और पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि 5 दिन पहले इनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ है। अब यहाँ पर रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे थे और काफी आश्वस्त दिखे हैं। बिल्कुल आश्वस्त नजर आए राष्ट्रीय, और आश्वस्त होना लाजमी भी है क्योंकि बीजेपी को रुझानों में जिस तरीके से बढ़त मिली है वो बढ़त ये आश्वस्ती प्रकट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गाजियाबाद से हैदर हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। हैदर, अपनी बात आप पूरी कर लें, फिर उसके बाद में जया के पास जाऊंगे। पूजा, मैं बता रहा था आपके प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। SDM, ADM के लेवल के जितने भी है, CO लेवल के जितने भी पुलिस अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है, और कहीं ना कहीं मतगणना को सफल कराने के लिए जो उनके ऊपर एक बड़ी चुनौती है, गाजियाबाद में 5 विधानसभा है, 5ों में बीजेपी का दबदबा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक चुनौती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पूरे 1 महीने से जो पहले चरण में यहाँ चुनाव हुआ था तो यहाँ डेरा डाले हुए हैं राजमंडी में, कहीं ना कहीं खुद ही उसको CCTV को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती हो जाता है। और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है, और वो कोई भी ऐसी अनहोनी को नहीं होना देना चाहता। इसके अलावा जो मंडी स्थल है, मंडी स्थल के आसपास जितने भी बाउंड्री वॉल है वहां पर पुलिस को तैनात किया गया है, किसी जो बिना पास के लोग हैं उनकी एंट्री नहीं होने दे रहे हैं, कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है, इसके साथ साथ जो सुपरवाइजर है वो लगाए गए हैं, सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं बार बार, और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के जो एजेंट है उनकी एंट्री हो चुकी है। कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो मतगणना का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया जाएगा।